हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं बेसन का चिल्ला। तो सबसे पहले हमने इधर बेसन ले लिया है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्याज और धनिया को अच्छे से छील वेल कर अच्छे से रखा है। अब हम उसको अच्छे से धुल लेंगे और उसमें हम मिर्चा भी ले लेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर हल्दी, नमक और लाल मिर्च को ले लिया है। इसको हम बेसन में मिला लेंगे। सबसे पहले हमने हल्दी मिलाया, फिर लाल मिर्च मिलाया, फिर उसके बाद हमने नमक मिलाया। देख सकते हैं आप लोग, फिर उसके बाद हम इसमें पानी डाल के अच्छे से इसको फेंट लेंगे। इतना फेंटेंगे कि अच्छे से यह फेंट जाए। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। फिर उसके बाद हम लोग काटेंगे मिर्च। मिर्च को आप एकदम बारीकी से काटिएगा, ये देखिए, ऐसे ही काटना है। ऐसे करके हम सारी मिर्च और धनिया को काट लेंगे। देख सकते हैं आप लोग, धनिया एकदम बारीकी से कट रही है, ये देखिए। ऐसे ही आपको भी काटना है। फिर उसके बाद हमने प्याज को अच्छे से बारीकी से काटना शुरू कर दिया, ये देखिए। आप भी प्याज को ऐसे ही काटिएगा, ठीक है, एकदम बारीकी से। फिर उसके बाद हमने जो काट लिया है उसको हमने बेसन में मिला लिया है। फिर उसके बाद फिर इसको फेंटेंगे। देख सकते हैं, फिर इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और फेंटेंगे और फेंटेंगे जब तक अच्छे से फेंट नहीं जाता। फिर उसके बाद हम थोड़ा पानी मिलाकर भी फेंटेंगे। इतना फेंटना है किसी ने सोची भी ना होगी। देख सकते हैं, तो उसके बाद हमने तवा ले लिया है, उसको गैस पर रख लिया है और फिर हमने तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। फिर उसके बाद जब यह गर्म हो जाए फिर उसके बाद हम इसमें चिल्ला बनाएंगे। देख सकते हैं, अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप अपने हिसाब से बड़ा ले सकते हैं, अगर आपको छोटा चाहिए तो आप अपने हिसाब से छोटा ले सकते हैं। हमने छोटा बनाया है, देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसे एक तरफ पकने देंगे, फिर तेल चारों तरफ ऐसे गोलाई में थोड़ा थोड़ा डाल के फिर उसके बाद हम इसको पलटेंगे। देख सकते हैं आप लोग, अब हम पलटते हैं। देख सकते हैं, अब ये नीचे से पक चुका है, ये देखिए कितने आसानी से ये पलट गया। ये देखिए, एक तरफ ये पक चुका है, अब हम दूसरी तरफ से इसको पकने देंगे। फिर जब यह पक जाए फिर उसके बाद हम ऐसे पलटते फिर इसको दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह आपको भी करना है, अच्छे से अलटना पलटना है, दोनों तरफ पक जाए फिर उसके बाद इसे निकाल लेना है। देख सकते हैं आप लोग, अब यह अच्छे से पक चुका है, ये देखिए। अब हम इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। देख सकते हैं आप लोग, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसी तरह सभी चिल्लों को अच्छे से बनाएंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा बना है हमारा चिल्ला। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दूसरी तरफ हमने यह देखिए चाय बनाना शुरू कर दिया है। बेसन के चिल्ले के साथ चाय बहुत अच्छा लगता है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। और हमने ये देखिए दूसरा चिल्ला बनाना शुरू कर दिया है। अब हम इसको भी वैसे ही करेंगे। देख सकते हैं आप लोग, पहले हम चारों तरफ ऐसे गोलाई में तेल डालेंगे हल्का हल्का, फिर उसके बाद जब नीचे पक जाए फिर उसके बाद हम इसको पलट लेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे। देख सकते हैं, ये देखिए हमारा एक तरफ पक चुका है, अब हम इसको भी अलटने पलटने में पका देंगे। देख सकते हैं, ऐसे ही बिल्कुल आपको भी पकाना है, यह खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, एक बार आप जरूर ही ट्राई करें। देख सकते हैं, ये देखने में ही इतना अच्छा लग रहा है कि यह बार बार आप ट्राई करेंगे। देख सकते हैं आप लोग।
कर पका लेंगे। देख सकते हैं अभी यह पक चुका है, यह देखिए। अब इसे हम थोड़ा और पकाएंगे। अभी यह पक चुका है अच्छे से, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हमने जो चाय बनाया था उसको भी हम निकाल लेंगे और इसको अच्छे से सर्व करेंगे। देख सकते हैं आप इसको चाय या फिर चटनी के साथ ही, आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं, और यह सॉस के साथ और भी अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद।